हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2015 रिलीज्ड एक जापानीज हॉरर सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है इटर्निटी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़की के साथ जिसका नाम यूरी है और वो एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करती है। एक दिन उसे ऑर्डर मिलती है किसी आकासुरा हाउस को विजिट करने की। वो वहाँ जाती है, बहुत देर तक दरवाजे पे नॉक भी करती है मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे यूरी कुछ पूछ सके, तो उसे लगने लगता है शायद वो गलत एड्रेस पे आ गई होगी या फिर घर में कोई नहीं है, तो वो लौटने लगती है। और ठीक तभी उसे अपने पीछे एक छोटा लड़का नजर आता है। बहुत अजीब नजरों से यूरी को घूर रहा था वो। पहले तो यूरी डर जाती है मगर फिर किसी तरह खुद को संभाल कर वो उसी लड़के से पूछती है और उससे पता चलता है ये घर तो उसी का है। यहाँ वो अपने दादी हत्सु के साथ रहता है। दादी की काफी उम्र हो चुकी है, रोज के कामों में उन्हें हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, इसीलिए यूरी को बुलाया गया है। यूरी उसी दिन से काम पे लग जाती है। बहुत मन लगा के पूरा दिन काम करती है, साफ सफाई, खाना बनाना, सब कुछ। और बीच बीच में वो लड़का जिसका नाम सोता है उसके साथ खेलती भी है। दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी मगर उसके दादी का बर्ताव काफी अजीब था। पता नहीं क्यों हम देखते हैं वो छुपके से यूरी पर नजर रख रही थी। रात में डिनर करते वक्त भी हम देखते हैं जब सोता खाने की तारीफ करता है, ये कहता है कि उसे हर रोज ऐसा ही खाना चाहिए। दादी बहुत अजीब तरह से हंसती है। यूरी समझ नहीं पाती कुछ, वो कोशिश भी नहीं करती। उसे ये परिवार, अपना काम पसंद आने लगा था। सोता तो उसे रात में भी रुकने के लिए कहता है लेकिन वो राजी नहीं होती। उसे अपने घर वापस जाना था, अपने बॉयफ्रेंड काजुआ के पास। लेकिन हम देखते हैं काजुआ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, अपने फोन को लेकर ही बिजी रहता है। और जब यूरी खुद से उसके पास जाने की कोशिश करती है तो काजुआ बहुत इंसल्टिंगली उसे हटा देता है और कहता है उसे पसीना आ रहा है और चिपचिपा स्किन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यूरी को बहुत खराब लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती, गलती उसकी है सोचकर। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो काम पे जाती है, वहां उसके एंटर करते ही सोता आकर उसे हग करता है। यूरी के स्वेटिंग से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यूरी धीरे धीरे और ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी उस परिवार से। छोटे बड़े हर एक काम में सोता उसका साथ बताता था। एक दिन एक फेरी टेल रीड करते वक्त सोता उससे एक बेहद अजीब सवाल करता है, पूछता है क्या शादी के बाद सभी एक साथ रहते हैं कहानी की तरह हैप्पीली एवर आफ्टर। यूरी हंसकर जवाब देती है हाँ, लेकिन सोता नहीं मानता, कहता है नहीं, सभी को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है, तो वो लोग साथ कैसे रहेंगे। उसके बातों का मतलब यूरी समझ नहीं पाती। एक छोटा सा बच्चा मरने की बात क्यों कर रहा। तो वो उसके चाइल्डहुड के बारे में जानने की कोशिश करती है, उसके परिवार के बारे में भी, क्योंकि इस घर में आने के बाद से उसने कभी उसके पेरेंट्स को नहीं देखा। सोता कहता है उसके पिता बहुत सालों पहले मर चुके हैं और माँ के बारे में उसे कुछ याद नहीं। क्लियरली वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था। इतने में वहां दादी आ जाती है और वो यूरी को चाय देती है पीने के लिए। यूरी उनके सामने और कुछ नहीं कहती, क्या पता उन्हें कैसा लगेगा। मगर उस चाय को पीते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। और जब उसका होश लौटता है तब तक रात हो चुकी थी। वो देखती है वो अभी भी आसाकुरा हाउस में ही है, वो भी नेकेड हालत में। दादी कहती है उसके कपड़े गंदे हो चुके थे इसीलिए उन्हें उतारना पड़ा। वो यूरी को अपनी बेस्ट ड्रेस गिफ्ट करती है, कहती है ये उनके हस्बैंड की फेवरेट थी। यूरी को सब कुछ बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, स्पेशली उन कपड़ों में। वो बस घर जाना चाहती थी मगर ठीक तभी सोता आकर उसे रोक लेता है, कहता है वह अभी घर नहीं जा सकती। उसका टोन बिल्कुल भी रिक्वेस्टिंग नहीं लग रहा था बल्कि ऑर्डर करने जैसा लग रहा था। यूरी तो चौंक उठती है, सोता ऐसे क्यों बात कर रहा है। मगर फिर दादी सिचुएशन को संभाल लेती है ये कहकर कि रात काफी हो चुकी है, अभी कोई ट्रेन भी नहीं है, ऐसे में अकेले घर लौटना सेफ नहीं होगा। यूरी काजुआ को कॉल करती है इन्फॉर्म करने के लिए। उसे लगा था काजुआ तो उसे लौटने के लिए फोर्स जरूर करेगा या फिर खुद लेने आ जाएगा,
मगर ऐसा कुछ नहीं होता। कासुआ गेम खेलने में इतना बिजी था कि उससे ज्यादा बात तक नहीं करता। किसी तरह हाँ ना में जवाब देकर फोन काट देता है। यूरी कहीं भी रहे, उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसा बॉयफ्रेंड है ये? यूरी को बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील हो रही थी। उसे समझ नहीं आता काजुआ आखिर उससे प्यार करता है या नहीं। तभी सोता आता है उसके पास, उसका मूड चेंज करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगता है और फिर अचानक ही उससे पूछता है क्या वो दोनों शादी कर लें जिससे वो हमेशा एक साथ रह पाएंगे। यूरी समझ पाती है ये बच्चा सोच समझ कर ये सब बातें नहीं करता। एक्चुअली वो बहुत ही लोनली फील करता है, उसे कंपनी चाहिए, कोई दोस्त चाहिए। बच्चा है ना, उसे कहाँ समझ इन सब बातों का। तो यूरी भी हाँ कर देती है मजाक मजाक में। लेकिन कोई और भी था जो बाहर से उनकी बातें सुन रहा था, दादी। बहुत ही गौर से, बहुत ही सीरियसली सुन रहे थे वो, जैसे अंदर कोई बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रही हो। सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। उनके चेहरे पर बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे, गॉड नोस उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अगले दिन सुबह होते ही यूरी हमेशा की तरह सबसे पहले उनसे मिलने जाती है, आज उसे क्या क्या काम करना है ये जानने के लिए। मगर दादी कहीं नहीं थी, पूरे घर में कहीं नहीं। यूरी सोता से भी पूछती है तो वो बहुत ही केयरलेस जवाब देता है, कहता है दादी घर चली गई है। अब यूरी समझ नहीं पाती ये घर कहाँ है, उनका घर तो यही है ना। तो वो एजेंसी में कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है, साथ में ये भी कहती है कि अगर 2 घंटे के अंदर दादी नहीं लौटी तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। सोता सब कुछ सुन रहा था मगर उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं था, बहुत ही रिलैक्स्ड दिख रहा था वो। यूरी भी ज्यादा दिमाग नहीं चलाती, उसे लगता है जरूर दादी कहीं आसपास ही होगी, घूमने गई होगी। तो वो घर के कामों में लग जाती है और उसी वक्त उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसके मन में हजारों सवाल उगने लगते हैं। सफाई करते वक्त उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं, बहुत ही पुराने। हर एक फोटो में सोता था अलग अलग लड़कियों के साथ, उसी कपड़ों में जो अभी यूरी ने पहना है। साथ में कुछ सिंगल फोटोज भी थे यंग लड़कियों के, उनमें से एक पर हत्सु लिखा था। हत्सु तो दादी का नाम है ना, वो यंग थी, मतलब ये फोटो एटलीस्ट 50 साल पुरानी है, तो इसमें सोता कहां से आ सकता है। यूरी का दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका था। उसी समय सोता आकर हाजिर होता है अपने अजीबोगरीब बातों के साथ, उसे शादी करनी थी अभी, यूरी ने प्रॉमिस जो किया था। उसके आंखों में, उसके बातों में ऐसा कुछ था जिससे यूरी को बहुत डर लगने लगता है। वो उसी वक्त घर से भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती, उल्टा सोता गुस्सा हो जाता है और उसके गुस्से से पूरा घर कांपने लगता है, दरवाजे और खिड़कियां लॉक्ड हो जाते हैं। यूरी जहां भी जाती है उसे अपने सामने सोता दिखता है, ये नॉर्मल नहीं था, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। डर से यूरी का पूरा शरीर कांपने लगता है मगर सोता उसका पीछा नहीं छोड़ता, बार बार वही बात दोहराने लगता है कि यूरी से उसे शादी करनी है, यूरी उसे छोड़कर नहीं जा सकती, यही उसका घर है, उसे यहीं रहना होगा हमेशा। फाइनली यूरी सोता को खुद से दूर करने के चक्कर में सीढ़ियों से धकेल देती है जिससे गिरकर सोता की गर्दन टूट जाती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो मर चुका है लेकिन वो मरता नहीं, कुछ ही देर में फिर से जिंदा हो जाता है और फिर ऐसे बिहेव करता है ऐसे कुछ भी तो नहीं हुआ। वो यूरी को मजबूर करता है उसके साथ रहने के लिए। दादी भी वापस नहीं आई थी और न वापस आने की कोई उम्मीद थी, मतलब यूरी को अकेले रहना होगा इस लड़के के साथ। उसे तो सोचकर ही डर लग रहा था क्योंकि वो कन्फर्म्ड हो चुकी थी ये कोई इंसान नहीं, कोई इंसान मर के जिंदा कैसे हो सकता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, दिमाग को शांत रखकर इस मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश करती है। वो समझ तो नहीं पाती सोता कौन है मगर वो कितना खतरनाक है इसके बारे में उसे आइडिया लग चुका था, तो वो उसे नाराज करना नहीं चाहती थी। रात होते ही उसे एजेंसी से कॉल आता है क्योंकि उसने उस दिन का कोई अपडेट नहीं दिया था। सोता उससे कहता है एजेंसी वालों को ये बोलने के लिए कि वो क्विट कर रही है, अभी से वो आसाकुरा फैमिली का लिव इन हाउसकीपर है। यूरी बातें तो वही कहती है मगर एजेंसी वालों की जगह वो कॉल करती है अपने बॉयफ्रेंड को।
काजुआ कितना ही केयरलेस क्यों ना हो, यूरी मुश्किल में है जानकर वो उसे बचाने जरूर आएगा। इतना यकीन था यूरी को, इसलिए बहुत ही चालाकी से उसने काजुआ को कॉल करके ये हिंट्स दे दिया कि वो किस घर में है। उसके टोन से तो काजुआ समझ गया ही होगा कि वो डरी हुई है। अगर उसे 24/7 जॉब लेना था तो वो पहले ही उसे इन्फॉर्म करती, ऐसे अचानक नहीं कहती। अभी काजुआ जरूर एजेंसी में जाएगा और इस घर का एड्रेस लेकर उसे रेस्क्यू करने आएगा, होपफुली। यूरी तो यही उम्मीद कर रही थी। उधर सोता को कुछ शक नहीं होता, मगर बात खत्म होते ही वो यूरी का फोन तोड़ देता है। अभी उसकी और कोई जरूरत नहीं, वो नहीं चाहता बाहरी दुनिया से यूरी का और कोई ताल्लुक रहे। डिनर के बाद वो यूरी को घर के स्टडी में ले जाता है, बिल्कुल उसी तरह फोटो निकालता है जैसे उसने कभी हादसों के साथ निकाला था। हादसों को भी तो उसने इसी तरह फंसाया था सालों पहले। उसने भी जरूर मजाक मजाक में सोता से शादी करने की प्रॉमिस करी थी, जो उसे मरते दम तक निभाना पड़ा। उससे पहले पता नहीं और कितने लड़कियों को ऐसे इस घर में कैद रहना पड़ा था इस शैतान के हाथ। इसकी तो उम्र नहीं बढ़ती, मगर वो लड़कियां समय के साथ साथ बूढ़ी हो जाती और सोता उन्हें नए लड़कियों से रिप्लेस कर देता है, जिससे उसे कभी अकेले रहना ना पड़े। पता नहीं ये साइकिल कितने सदियों से रिपीट हो रहा है। हादसों के साथ उसने क्या किया वो तो नहीं पता, मगर इतने सालों बाद वो घर वापस चली गई, ये यूरी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने सालों से इस घर में कैद रहकर दुनिया की नजरों में वो तो मर चुकी है। तो क्या उसने उसे मार डाला? गॉड नोस। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है सोता ने हादसों से कहा था हाउसकीपिंग एजेंसी में कॉल करने के लिए। उसने प्रॉमिस किया था अगर उसे नई बीवी मिल गई तो हादसों को भी आजादी मिल जाएगी, इसीलिए तो वो उनकी बातें सुनती थी छुपके से। मगर उसे पता नहीं था आजादी का मतलब मौत है। यूरी को सारा खेल समझ आ चुका था, ये शैतान और उसका ट्रैप। तो क्या उसके साथ भी यही होने वाला है? उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी काजुआ उसे ढूंढने जरूर आएगा। होता भी यही, काजुआ आता है लेकिन बेचारे को पता नहीं था वो किससे सामना करने जा रहा है। यूरी को रेस्क्यू करने की जगह उसे खुद ही सातों के हाथ मरना पड़ता है। बेचारा बिना कुछ जाने ही कुर्बान हो जाता है। यूरी कुछ नहीं कर पाती, हेल्पलेसली सब कुछ सहन करने के अलावा। काजुआ के मौत से उसके घर लौटने की एक लौती उम्मीद भी मिट चुकी थी। अभी उसे इसी घर में रहना होगा इस शैतान के साथ, जब तक उसका समय पूरा ना हो जाए या फिर मौत के नाम पे आजादी ना मिल जाए। The end. दोस्तों, नो डाउट ये कहानी काफी वियर्ड है लेकिन इंटरेस्टिंग भी। जापानीज हॉरर होती ही अजीब है, मुझे तो काफी अच्छी लगी, बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।